टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में टेबल टेनिस के पहले दिन भारत को थोड़ी खुशियां तो थोड़े दुख मिले। दिन के पहले मैच में शरत कमल और मनिका बत्रा की मिक्स्ड डबल जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा और सुतीर्था मुखर्जी ने जीत के साथ टोक्यो ओलंपिक्स के सफर का आगाज कर दिया है। मिक्स्ड की हार के बाद हुए वुमेन सिंगल्स के पहले राउंड में मनिका का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन की हो टिंटिन के साथ हुआ। मैच की शुरुआत में मनिका ने हो टिंटिन को बैकफुट पर धकेल दिया और जल्दी ही मैच को 4-0 से अपने नाम कर लिया। सिंगल्स की जीत से पहले मनिका के लिए ओलंपिक्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। अपने सिंगल्स मुकाबले से पहले वे शरत कमल के साथ मिक्स्ड डबल्स में उतरी। राउंड 16 के इस मैच में शरत और मनिका की जोड़ी ने तीसरी वरीयता प्राप्त चाइनीज ताइपे के लिन युनजू और चेंग आई चिंग का सामना किया। भारतीय जोड़ी ने 5-1 और 5-3 की लीड के साथ अच्छी शुरुआत की, लेकिन जल्द ही अपनी लय खो दी। विरोधी टीम के 19 वर्षीय लिन के फ्लैंक्स का सामना भारतीय टीम नहीं कर पाई। शरत मनिका की जोड़ी के पास उनके फोरहैंड और बैकहैंड से निकले लाजवाब ड्राइव का कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद लिन और चेंग ने भारत के खिलाफ लगातार 8 पॉइंट्स हासिल कर लिए और जल्द ही भारतीय जोड़ी को 11-8, 11-6, 11-5 और 11-4 से हरा दिया। बता दें कि ओलंपिक्स के लिए रवाना होने से पहले शरत और मनिका ने नेशनल कैंप में सिर्फ 3 दिन साथ में खेला था। हालांकि इससे पहले दोनों ने एक साथ मिलकर ही 2018 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इसी जीत के बाद इन दोनों से ओलंपिक्स में मेडल लाने की उम्मीदें लगाई जा रही थी। हालांकि भले ही मनिका मिक्स्ड डबल्स में हार गई हो, लेकिन वुमेन सिंगल में जीत दर्ज कर उन्होंने इतिहास रच दिया है। 29 वर्षों में टेबल टेनिस सिंगल मैच जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उनके साथ सुतीर्था ने भी अपने ओलंपिक्स सफर की शुरुआत जीत से कर दी है। स्वीडन की लिंडा बर्गस्ट्रॉम के साथ हुए बेहद कड़े मुकाबले में सुतीर्था ने उनको 4-3 से हरा दिया। सुतीर्था और लिंडा के बीच हुए इस मुकाबले में लिंडा ने 1-0 से अपनी जीत का खाता खोला था, लेकिन बाद में सुतीर्था भी मुकाबले में वापस आई और मैच को 3-3 की बराबरी पर ले आई। मनिका बत्रा के साथ सुतीर्था भी अगले राउंड की ओर बढ़ गई हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रही गरिमा भारद्वाज ने। ओलंपिक्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।